कि अभी सबको लगा कि हाँ कुछ जिमनास्टिक्स ने कुछ किया, वो मेरे लिए नहीं आ रहे, वो मेरे जिमनास्टिक्स के लिए आ रहे, वही मुझे लगता है फिर अच्छा लगता है। हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अभी हमारे स्टेट को लोग जान पाई, साथ में जिमनास्टिक्स को जान पाई, तो इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कि मैं जिमनास्टिक्स को पसंद करती हूँ, मेरा पूरा लाइफ जिमनास्टिक्स है। और घर में आती हूँ, हाँ आती हूँ तो 5-6 महीने के बाद तो आती हूँ, तब मिलती हूँ तो मुझे कोई मिस नहीं होता ऐसे। मुझे नहीं लगता कुछ चेंज हुआ मेरे लिए, मैं वैसे ही वही दीपा हूँ पहले जैसे थी, एक जिमनास्ट त्रिपुरा की लड़की, वैसे ही हूँ मैं। আমি আগরতলা থেকে, আমার জন্ম আগরতলাতে, আমি আগরতলা থেকে বিলং করি এবং আগরতলা খুবই একটা ছোট্ট স্টেট, কিন্তু খুব সুন্দর, খুব ভালো, খুব শান্ত। আমি লাইক করি আমার আগরতলাকে, আর আমার ত্রিপুরাবাসীর মেন্টাল এত সাপোর্ট ছিল তার কারণে আমি আজকে এখানে। যখন লোককে বলতাম যে আমি জিমনাস্টিক্স করি, ওরা যখন চেনে না, কারণ অনেকেই ভাবতো যে জিমনাস্টিক্স হয়তো সার্কেস টাইপ, হ্যাঁ আমাকে বলেছো জিমনাস্টিক কি সার্কেস, তখন আমি বললাম না যে, তো ওনারা জিজ্ঞেস করতো যে হ্যাঁ জিমনাস্টিক্স তো ছেলেদের হয় শুধু, আমি বলছি না মেয়েদের হয়। রিপ্রেজেন্টিং ইন্ডিয়া, দীপা কর্মকার। যা হয় বাচ্চারা খুব ছটপটে ছিল, তখনই আমরা ঠিক করলাম যে ওকে জিমনাস্টিকে ভর্তি করাবো, কারণ অন্য গেমের জন্য সে তখন সে ফিটেড নয়, কারণ তার বডিটা ছিল একদম আপনার ছোট, হাইট কম ছিল, একদম স্পিড ছিল ভালো, যাতে ফ্লেক্সিবিলিটিও কম ছিল, তো ওই জন্য আমরা ঠিক করলাম যে না ওকে অন্তত জিমনাস্টিকে ভর্তি করা ঠিক হবে। छोटी सी उम्र में आई थी मेरे पास, तो मैंने ना देखा उसका फ्लैट फुटेड है, तो मैं सोचा ये जिमनास्टिक में जिमनास्टिक कितना हो पाएगी, इसका फ्लैट फुटेड है। लेकिन एक चीज़ देखा मैंने, कुछ करने का जुनून थे उसमें, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, मतलब फिर मैंने सोचा नहीं, उसका जो फ्लैट फुटेड है, सबसे पहले मेरा ये रहेगा कि मैं उसको अच्छी तरह फ्लैट फुटेड है वो जो कार फुट में बदलना है। तो मैंने एक दिन समझाया, मैंने कहा बेटा तू एक काम करना, उसको नहीं बताया कुछ फ्लैट फुटेड या कार फुटेड या कुछ नहीं बताया, तो हमने शुरू किया, मैंने कहा बेटा तेरे को ये कुछ एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है तो हमेशा करते रहना, जब भी प्रैक्टिस में आती है तो ये हमेशा रिपीटेशन करते रहना, इससे ना तेरा जंपिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। पहले मुझे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था जिमनास्टिक्स में कि मुझे ये कंटिन्यू करना है, शायद क्या इसको मुझे बढ़ाना है और मुझे मेरा ये टारगेट है, वो वैसा कुछ नहीं था, बस पापा ने डाला तो मैं वो सोच के करती गई। बच्ची थी तब, 5.5 साल था मेरा उम्र, बस कर डाला, बच्चे लोगों के साथ आती थी, जो करता था वो करती थी, और फिर मैं बस 2007 में मैं गई थी एक जलपाईगुड़ी में, जूनियर नेशनल हुआ था, वहाँ पर मुझे 3 गोल्ड 2 सिल्वर मिला था, तो तब लगा मुझे हाँ शायद अभी मुझे कुछ कर सकती, कुछ मैं थोड़ा कर सकती कंटिन्यू उसको। एक 1.5 साल के अंदर ही
उसने सब जूनियर लेवल पे अच्छा मतलब रिजल्ट आना शुरू कर दिया, तो मेरा ना पूरा ध्यान उसके तरफ चला गया। मैंने कहा नहीं, उसको पकड़ते हैं, हम उसको पकड़ के कोशिश करता हूँ बहुत, क्योंकि उसका फादर वेट लिफ्टिंग साई कोच है, तो डाइट का भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मैं लोड दे दिया तो खाना पीना उसका घर में भरपूर है, उस बारे में मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में मतलब टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये दो चार खेल को छोड़ के और जितने भी अदर स्पोर्ट्स है सब में मतलब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ही आते खेलने के लिए। सबका मन में यही रहता है कि अच्छी तरह खेलूँ तो थोड़ा सा पैसा आ जाएगा या एक नौकरी मिल जाएगा, इसी सोच में आता है ये लोग। देखा नहीं, इसका तो ये प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं इसको लेके थोड़ा सा प्लान करते हैं। मैंने प्लान किया, अपना तरीके से प्लान किया, तो शुरू किया। मैंने कहा देखिए इम्प्रूवमेंट लेवल उसका बहुत अच्छा है, तो मैंने देखा फॉरेन कोच का मतलब फॉरेन जहाँ कोचिंग सेंटर है इंस्टीट्यूट, वो लोग कैसे पढ़ाते हैं और वो लोग क्या एडवाइस करते हैं कोचेस को एक बच्चे को अच्छी तरह मतलब कामयाबी पाने के लिए कैसा होना चाहिए रूटीन। तो मैंने नेट से कुछ सर्च करके लिया, तो मैंने अपना भी कुछ डाला, एवरेज लेके ना उसको मैंने अपना काम शुरू किया। এখন তো ওর বাবা একজন, এখন দুজন হয়ে গেছে, কারণ কারণ ও তো এখন কি বলবো, এত দুজনের মধ্যে এত আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হ্যাঁ, আমার মেয়ে একটু জিদ্দি, স্যার যেটা বলবে সেটা সে করবেই। এ জিদ্দি তো বহু জায়গা জিদ্দি হ্যাঁ, মতলব তো মানে দেখা উসকা যে জিদ হ্যাঁ, মে প্র্যাকটিস কে অন্দর কনভার্ট কর দিয়া, চল তু ইসমে রিপিটেশন করকে আপনার যে গুসা হ্যাঁ উতার দে, তো উসকে লিয়ে ভি ফায়দা হুয়া, মেরে লিয়ে ভি ফায়দা হুয়া। 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें उसने वोल्टिंग टेबल पे फाइनल पे आ गई। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं तू आ जा घर में, फिर तेरे को लेके प्लान करता हूँ। तो आते ही बोला सर आशीष दादा को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल मिला, मेरे को नहीं मिला। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास उम्र है, तेरे पास टाइम है, तू चिंता ना कर, 2014 में जो कॉम्पिटिशन होगा कॉमनवेल्थ और एशियन उसमें हम जी जान लगा देंगे। कहता ठीक है सर। সব জায়গায় হবে তা বলা জানে না, এরকম খেলাধুলা হার জিত আছে। যেমন এশিয়ান গেমসে মেয়ে মেডেল পেলো না, ফোর্থ প্লেসে এলো, আমি বারবার ফোন করছি ও ফোন ধরছে না। যখন আমি ফোন পাই ও ফোন ধরলো, ও কাঁদতে আরম্ভ করলো, তখন আমি বললাম হার জিত আছে, একবার পারলে না আরেকবার ভালো হবে, তুমি মন খারাপ করবে না, তুমি পরে নেক্সট বারে ভালো করে করবে, তুমি মন খারাপ করবে না, আমি ওকে বলে দিয়েছি। দীপার বাবা, দীপার বাবা সবচেয়ে বেশি, সবসময় এই করো সেই করো, তুমি এইভাবে ইয়ে করবা ওইভাবেই করবা, দীপার বাবা। ওটা তো ওইখানে যাওয়ার পরে ওখানে এটা দিয়েছিল, যারা পার্টিসিপেট করেছে তাদেরকে একটা প্রতীক চিহ্ন এখানে দিয়েছে। এটা গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত প্রমোচন গেমস, এই গেমসে সে বোর্ড প্রতীক পেয়েছে। তারপরে অ্যাকচুয়ালি যে আমাকে সে পরে বলছিল বাবা দেখো আমি তো ফাইনালে উঠেছি ঠিকই, কিন্তু যখন সারা ইন্ডিয়ার মানুষ যখন বলছে ফার্স্ট অ্যানাউন্সমেন্ট করলো যে আমাদের ভারতবর্ষের থেকে প্রথম মানে আটজনের মধ্যে ফার্স্টই কল করেছে ওর নাম দীপা কর্মকার ফ্রম ইন্ডিয়া, সে বলার সঙ্গে সব ভারতবাসী যারা ছিল অডিয়েন্স সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে। যে একটা চিৎকার যে হয়েছে, যে সাউন্ডটা রিফ্লেক্ট হয়েছে ভিতরে, ও তো আমাকে এসে বলছে বাবা এই সাউন্ডটা তো মনে হচ্ছে আমি হাওয়াতে বাড়ছি। না
अभी हम सिर्फ 4-5 दिन के लिए घर आए, बस हम संडे को चले जाएंगे। अभी अभी तो थोड़ा सा मेंटल रेस्ट दिया सर ने, बस तुम्हारा जितना फिटनेस है वो रखो, प्रैक्टिस इतना नहीं अभी। और अभी जब हम घर जाएंगे तो हम घर सॉरी कैंप जाएंगे तब पूरा प्रैक्टिस होगा, पूरा पूरा। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, प्रैक्टिस जाना आना, लंच करना, सोना, उठना, प्रैक्टिस जाना, खाना और सोना, बस ऐसा लाइफ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। ওকে ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছ বেশি খেতে ভালোবাসে। নিশ্চয়ই, কারণ আমাদের বাড়িতে আমরা অনেক ফ্যামিলি, 2-3 ফ্যামিলি একসঙ্গে আছি। আমাদের ওকেশন খুব বেশি হয়, যখন ও বাড়িতে থাকে না তখন তো ওকে মিস করি আমরা। যখন প্রথম বাইরে জিমন্যাস্টিকের চান্স পাই হরিয়ানাতে, তখন দীপা যখন ছোটবেলা যায় আমি ভীষণ ভেঙে পড়েছিলাম। যখন 7 বছর বয়সে দীপা হরিয়ানা যায় আমি খুব মানে ভেঙে পড়েছিলাম যে দীপা এত ছোট বয়সে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি একা একা। তারপরে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। ইন্ডিয়া কা লড়কি বহুত পিছে, ওয়ার্ল্ড লেভেল, এশিয়ান লেভেল ইয়া কমনওয়েলথ লেভেল পর বহুত পিছে, লড়কা তো বহুত আগে হ্যাঁ। তো মানে দেখা লাইন আপ মে বহুত জাদা ইগনোর করতে থে লড়কিও কো, বহুত জাদা। তো ফরেন কোচ থে, সবই লড়কে কা তারিফ করতে থে, মেরে কো না বহুত চুপতে থে। তো মানে সবই লড়কি কো না এক তরফ লে আয়া, মানে কা বেটে দেখো আবি টাইম আ গিয়া, তুমনে ভি কুছ করনা হ্যায়, লড়কিয়া বহুত কুছ কর সকতি হ্যায় আগর তুমনে চাহা তো, अगर मेरा बात सुनोगे तो। कहता हाँ सर, आप चिंता ना करो, आप जैसे बोलोगे ऐसे ही काम करूँगा। तो प्रोतोनोवा वर्ल्ड के बारे में उसको देखा है मैंने, मैंने कहा बेटा देख ऐसा ऐसा है, तू कर सकते। कहता है आप बोलो सर क्या करना है, उसके बाद वो जोश प्रोतोनोवा वर्ल्ड के बारे में मैंने सोचने लगा। मैंने देखा, फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह मतलब देखा क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे इसको शुरू कराना चाहिए, क्या बेसिक एक्सरसाइज होगा इसका, मेंटली कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको हम, तो वो कर पाएगा क्या नहीं। तो मैंने फिर अपने आप को, मैं खुद को समझाया, फिर मैंने एक डिसीजन पे आया। मैंने कहा नहीं चलो, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी वॉल्ट है, कुछ भी हो सकता है, लड़कियाँ हैं। तो मैंने एक दो कोच से बात किया, कहता हाँ तुम कर सकते हो, फॉर्म पिट में कराओ। तो हमने शुरू किया, तो देख रहा हूँ बहुत अच्छा रोटेशन है, बहुत अच्छा है, मतलब 2-2.5 महीने हो गए, मतलब फॉर्म पिट में ही करा रहा हूँ। तो बोल रहे सर मैं ऊपर में करना है, जैसे उधर वोल्टेज टेबल लगाओ ना ऐसा ऊपर में करना है। मैंने कहा रुक जा बेटा, हम कराएंगे तेरे को, इतना दिन से मेहनत किया हमने कराना है, कुछ तो रिस्क तो लेना ही है बेटा। तो फॉरेन कोच था, फॉरेन कोच बहुत ऑब्जेक्शन दे रहा है मेरे को, मतलब मेरे को डायरेक्ट नहीं बोला, किसी किसी कोच को बोला है कि नंदी लाइफ रिस्क ले रहा है लड़कियों का, लड़कियों को ये वोल्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसका बात मतलब सुना नहीं, मतलब मेरे को डायरेक्ट नहीं बोला, किसी ने मेरे को बोला, कहता है फॉरेन कोच तो आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है। मैंने कहा देने तो उसको बोलो मेरे से बात करे, कहता है नंदी इतना डिफिकल्टी वोल्ट ऊपर कराएगा तो अगर कुछ हो गया तो।
तो शाही का जो ऑफिसर था प्रोजेक्ट ऑफिसर मिस्टर इंद्रजीत सिंह पावला, उनसे भी बात किया। मैंने कहा मैं ऊपर में कराना चाहता हूँ, जहाँ वॉल्ट होता है प्रैक्टिस वहाँ कराना चाहता हूँ फॉर्म पिट छोड़ के। कहता है नहीं आप ऐसे नहीं करा सकते, बहुत डेंजरस है, हमारा टॉप लेवल का लड़की है, हम दूसरा पैराडस में भी उम्मीद करते हैं उसका मेडल आएगी। मैंने कहा देखिए मैं कोच हूँ, उसका अगर मेडल आएगी तो वोल्टिंग टेबल पे एक चांस है और हमने रिक्स लेना है, मेरा तो ये डिसीजन है। मैंने कहा सर आपसे परमिशन मांग रहा हूँ, मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा बच्चे कॉन्फिडेंट है, दीपा बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, पूरा जिम का प्रैक्टिस बंद हो गया उसका प्रतुनोबा वर्ल्ड देखने के लिए, तो मैं भी डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, ये ख़त्म ना कर रहा हूँ उसको मैं। मैं भगवान को भी प्रार्थना कर रहा हूँ, वही भगवान उसका लैंडिंग करा देना सही से, बिल्कुल नज़दीक था मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर था, अगर कुछ ऊपर में उसने डर गया, डर के छोड़ दिया, बहुत ऊपर जाती है, आपने देखा होगा कितना ऊपर से नीचे गिरती है, तो मैं इसको पकड़ लूँगा कैसे भी हो, तो बिल्कुल मैं नज़दीक था, तो उसने कर दिया, मतलब आपको बता नहीं सकता हूँ, मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा नहीं बेटा तू सक्सेस, मतलब पूरा जिम इतना तालियां बजाया, बस कमोनन गेम्स में ले गया उसको, ये वर्ल्ड कराया और पोडियम में, मतलब और ऑडियंस जितने थे सारे पोटोनो बगाल, मतलब उसका मतलब और भी बहुत सारे जो गोल्ड मेडल थे उनका भी मतलब इतना चेयरअप नहीं हुआ जितना दीपा का हुआ। सपोर्ट मिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, बहुत ज़्यादा मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सपोर्ट मिला जिमनास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से, मेरा स्टेट गवर्नमेंट से, जिमनास्टिक एसोसिएशन से, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली मेरा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, उन्होंने बहुत मदद किया। मतलब मैं सोचता हूँ मेरा और दीपा का काम नहीं है, ये पूरा एक टीम गेम है, बिना हेल्प से ये मतलब इधर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। দিদিকে তো খুব মারতাম সবচেয়ে প্রথম, দিদিকে দিদি আমার হাতে খুব 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 পেটুনি খেয়েছে, মানে বলার মতো না, দিদির হাতে এই জায়গাতে আমার নখের খামচি এখনও আছে, অ্যাকচুয়ালি দুবোন থাকলে সে দুষ্টে, আর আমি খুব মারও খেতাম বাড়ি থেকে, তার জন্য আমি পালিয়ে যেতাম, মারতে পারতো না বাবা মামা। আর স্কুল ফ্রেন্ডের সাথে, আমার স্কুল ফ্রেন্ড আছে, ওরা এখন সেটেল হয়ে গেছে যার যার নিজেদের লাইফে, কিন্তু স্কুল লাইফে আমার চার পাঁচজন বন্ধু ছিল, বান্ধবী ছিল, ওর খুব খুব হেল্প করতো স্কুলে আমার, কারণ আমি স্কুলে তিনটে দুটো ক্লাস আগেই চলে আসতাম প্র্যাকটিসের জন্য, তো ওনার ওরা আমাকে সবসময় বলতো কেন চলে যাবে, আমি না না আমি আমার এটাও করতে হবে এটাও করতে হবে, বাবা দাঁড়িয়েছে আমার, তো যত আমার প্র্যাকটিসের হেল্প থেকে ধরে প্র্যাকটিসের পড়াশোনার হেল্প, কোনটা নোট ফোট সব ওরা হেল্প করতাম। আমার বাবা লিফটিংয়ে, ওয়েট লিফটিংয়ে, আমার পিসাতো ছোটো ভাই আছে ওয়েট লিফটিংয়ে, আমার পিসি আছে সুইমিংয়ে, আর আমার ছোটো বোন তো দীপা আছে জিমনাস্টিক। আমি ছিলাম কিন্তু এখন কিছুতেই নেই, যোগাসনে ছিলাম, ইয়োগাতে ছিলাম। ফ্যামিলি বিশেষ করে সবাইকেই দেখি এই স্পোর্টস, এই স্পোর্টস নিয়ে আছে, মানে খুব ইন্টারেস্টেড লাগে এখন স্পোর্টস ব্যাপারে। বিশেষ করে একটা ফিল্ম আছে না চাক দে ইন্ডিয়া, এটা দেখলে তো মানে সবাই, দীপার তো খুব ফেভারিট মানে ফিল্ম এটা, এটা আরম্ভ হলে, রাত্র হলো না দিন হলো, এটা কিছু বোঝা যায় না, ও এটা দেখবে তারপর বলবে যা কিছু পড়ে সব কিছু। অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোকাস আবি রিও অলিম্পিক মে হ্যাঁ, 52 ইয়ার্স কে বাদ কই জিমনাস্টিক জিমনাস্ট ইন্ডিয়া সে অলিম্পিক রিপ্রেজেন্ট করনে যা রহে হ্যায়। और हम इसमें जी जान लगा देंगे, रियो ओलंपिक में कुछ करके नया हिस्ट्री क्रिएट करें, बस मैं यही चाहता हूँ। तो 2010 में मैं कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, तब मेरा ये सिर्फ 16 था, सबसे छोटी थी मैं उस,
कर्मकर 2010 में जो कॉन्वेंट हुआ तब हमारे जो आशीष कुमार है आशीष भैया उनको मेडल मिला, तो उसके बाद लगा नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए, गर्ल्स को भी मेडल लेना चाहिए, तो वो टारगेट लेके मैं और मेरे कोच चलते गए। फिर 2011 नेशनल गेम्स हुआ, उसमें 5 गोल्ड था मेरा, और उसके बाद धीरे धीरे नेशनल, फिर 2014 एक कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो उसमें ब्रॉन्ज, 2015 एशियन चैम्पियनशिप, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2016।